प्रभुकाश डॉक्टर्स को 20 लोग जाके तमाचा मारे, उसको गालियां दिए, हमने फोन किया था तुम नहीं उठाए, और वो बेचारे का अपराध कुछ नहीं था कि वो दूसरे पेशेंट को देख रहा था और फोन साइलेंट में थी। तब उन्होंने खुद आकर उसके ऊपर हमला किया। जब 3 साल का उसका कन्विक्शन हुआ तो सेशन कोर्ट ने उसको जो सेंटेंस नीचे दिए थे वही अपहेल्ड किए, उनका अपील रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में वो हाईकोर्ट में चले गए, वहां भी वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर उनको पनिशमेंट ही हुआ, 5 लाख रुपए देना और कुछ माफी मांगना, ये उन्होंने कहा। यानी कन्विक्टेड, 3 ईयर्स कन्विक्टेड, उसको 16 दिन का टाइम देते हो, लाइटनिंग स्पीड में उसकी अपील डिस्पोज आप करते हो, और हम यहां पर अपील डालते हैं तो उसको 1 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे रहा है। तो ठीक है, हम कोई जुडिशी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करना चाहते, जो भी उन्होंने कहा है उसका स्वागत करते हैं, हम लड़ेंगे कानून के तौर से। लेकिन आप देखिए, एक आदमी को 3 साल की सजा होती है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है इमीडिएटली, और एक राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है डिफेमेशन केस में, क्रिमिनल केस में नहीं। तो उनको आप लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? अगर कोई गए नहीं हमारे देश में रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक, अगर नहीं चल रहे पार्लियामेंट, अगर कोई कहे तो ये गुनाह है, और ये दिखता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं इसको किस ढंग से हमारे मीडिया के दोस्तों लेते हैं, वो मैं इसको ज्यादा बोलने नहीं जा। और इनकी जो ये हो गई, 23 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 24 को लोकसभा सेक्रेटरिएट में आया और 28 को लोकसभा सेक्रेटरिएट ने नोटिफिकेशन निकाल के यहां तक बोला कि राहुल जी अपना रेसिडेंस भी खाली कर दो। ये है न्याय, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं हम, संविधान के तहत चलो इसके लिए लड़ रहे हैं। और हमने जो कानून, बिजनेस एडवाइजरी के जो बिजनेस रूल्स होते हैं उसके तहत हम चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उसके तहत चलना नहीं चाहती। और हमारे मुद्दे बहुत थे, हम सभी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, हमारे जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं यहां बैठे हुए, सबको आई कंग्रेचुलेट देम, यूनाइटेडली दे टुक दिस इश्यू, दे फॉट, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग सीरियस, दे आर नॉट थिंकिंग सीरियसली, एंड मीनवाइल दे सस्पेंडेड वन वुमेन मेंबर ऑल्सो, पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर रजनी पटेल, शी वॉज एजिटेटिंग एज पर रूल एंड नेचुरली, एंड सो लॉन्ग, इतना लंबा किसी को शिक्षा नहीं मिली। एनीवे, अभी वो तो चेयरमैन साहब के पास पेंडिंग है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी चीजें चल रही है। और एक को 16 दिन तक रिलीफ मिलता है और 3 साल की सजा होने के बाद वो बीजेपी का मेंबर रहने से उसका कोई संज्ञान में स्पीकर लेते ना कोई लेते। तो इसलिए दोस्तों हम आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूं
फाइव का अभी ऐसा पेपर।